दोस्तों, हमने जो खुद का स्टेटमेंट जब भी सेल करता है सीजीएसटी एसजीएसटी में सेल करता है, तो अदर स्टेटमेंट जब भी सेल करते हैं आईजीएसटी में सेल करता है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपने आप किस तरीके से वो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी है ले लेती है। तो किस तरीके से ले लेती है हमने वो थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कस्टमर को इधर देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गड्डे में, फॉर एग्जाम्पल ये जो है मुकुंदन, ठीक है, ये मुकुंदन का स्टेट है जो है आपको केरला स्टेट डाला हुआ है, तो ये कंपनी का स्टेट भी केरला डाला हुआ है। देखो इधर मास्टर एंट्री में आप जाइएगा, मास्टर एंट्री में देखो कंपनी इन्फॉर्मेशन है, इधर भी देखो आपको केरला स्टेट दिखाई देती है, ठीक है जी। तो ये केरला स्टेट में कंपनी है और सेल करने वाला कहाँ, केरला में ही है। तो फॉर एग्जाम्पल मुकुंदन को सेलेक्ट कर देते हैं हमने, इधर मुकुंदन, और इसको देखो कुछ प्रोडक्ट इधर स्कैन करिए, देखिए मैंने इसको 500 रुपये का माल है, इसको सेल कर दे रहा हूँ, यस कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अभी थोड़ा सा मैंने इसको सूम कर लेता हूँ, ये देखिए खुद का स्टेट, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी में आया हुआ है, आईजीएसटी बिल्कुल 0 आ चुका है, ये क्योंकि ये जो सेल कर रहा है कस्टमर भी केरला का है, यानी सेम स्टेट का, और सप्लायर भी सेम स्टेट का। और हमने फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, मैंने और एक कस्टमर को इधर ऐड करके रखा हुआ है, जैसा फॉर एग्जाम्पल अशोक कुमार, अशोक कुमार कहाँ के, दिल्ली का है, देखिए ये दिल्ली का कस्टमर है। हमने एक बार अशोक कुमार को सेल करने के लिए कोशिश करेंगे, ये देखो अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार को सेम प्रोडक्ट मैंने सेल कर दे रहा हूँ, और ये भी ठीक है जी। और अभी कैश में सेल कर रहा हूँ, मैंने टेंडर मार दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा मैंने सूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो पहले इसमें था, अभी ये दोनों शून्य शून्य पड़ा है, अदर स्टेट में जब ये सेल करता है ऑटोमेटिकली आईजीएसटी में आ चुका है, देखो आईजीएसटी में अमाउंट आ चुका है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपने आप इसको सेट कर देता है, तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपना काम ऑटोमेटिकली कर लेता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।